चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। वो कहते हैं कि हमारे एमपीएस को करोड़ों के ऑफर्स की जा रही हैं। साजिश का मकसद ये है कि लंदन से नवाज शरीफ वापस आ सकें। उन्होंने ये भी कहा कि वादा है वो जल्द आएँ तो ऐसा इस्तकबाल करेंगे जो किसी का नहीं हुआ। ये इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। चेयरमैन पीटीआई चिश्तिया में जलसे से खिताब कर रहे थे। नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, लोटे बनाने की कोशिश हो रही है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। आशी हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। भगौड़ा नवाज शरीफ लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो, वहां से बैठ के कह रहा है कि किसको जेल में डालो। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। बहावलपुर में एक बहुत बड़ा मूछों वाला लोटा है, उस बड़े मूछों वाले लोटे को मैं खुद कैंपेन करके इंशाल्लाह हराऊंगा उसको।